हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थोड़ी सी अलग वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो पहले ही यहाँ पर देखिए बड़ा सा बॉक्स। तो क्या है इसके अंदर, देखना चाहते हैं आप सब क्या है इसके अंदर? देश विदेश पार कर लिया, अब इसको काट के इसके अंदर का खजाना निकाल के ले जाऊंगा। तो दुग्गू का तो मानना है कि इसके अंदर से खजाना निकलने वाला है। और वो तो चलिए खजाना क्या है वो हम इसको काट के ही देखेंगे। तो अभी इसे खोल करके देखते हैं कि कौन सा खजाना इसके अंदर से निकलने वाला है। तो चलिए इसे खोलते हैं। अब इसके अंदर से खजाना निकालने वाले हैं, चलो इसे काटते हैं। खजाने में क्या है? ये है ओटीजी। तो ये है हमारे घर के नए मेंबर बजाज की ओटीजी। और चलिए देख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना पड़ा है, ये कितने लीटर का है, सारा कुछ देख लेते हैं। आइए, 2000 वाट का 45 लीटर का ओटीजी है। और आइए देख लेते हैं इसका प्राइस कितना पड़ा है। तो इसका प्राइस है 16,900। तो हमने इसे ऑफलाइन परचेज किया है 11,500 से। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकल रहा है। तो ये है हमारी 45 लीटर की बजाज की ओटीजी। ये एक वारंटी कार्ड मिली है और साथ में ये मैनुअल और रेसिपी बुक और साथ में ये भी हमें मिली है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस बक्से के अंदर से ये सब एक्सेसरीज निकली है। तो इनको कैसे यूज करते हैं थोड़ी देर में बताती हूँ आप सबको। देख लेते हैं इन ट्रेस को किस तरह से सेट की जाती है। तो सबसे पहले तो हम इसे खोलेंगे। और हाँ, इसमें हम चिकन भी बना सकते हैं। तो ये पहली हमारी ग्रिल ट्रे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बेकिंग ट्रे। तो बेकिंग ट्रे हमें दो मिली है, यूजुअली एक ही मिलती है तो हमें दो मिली है। ये एक बेकिंग ट्रे चले गई अंदर और ये दूसरी बेकिंग ट्रे। तो ये भी चली गई। तो ये रही हमारी क्रम ट्रे। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज इसके साथ आई है कि जो भी हम बनाएंगे इस पे, अगर खाने की चीजें हम अगर बेक करेंगे, ग्रिल करते हैं, तो जो भी ऑयल हो गई गिर जाती है, कुछ भी हो गई, हम जैसे कि स्प्रिंकल डालते हैं वो सारा कुछ गिर जाएगी, तो इसपे ही गिरेगी। तो इसे हम आसानी से निकाल करके क्लीन कर सकते हैं। इसे हमें एकदम नीचे इसको सेट करना होता है। तो ये आगे के बारे जितने भी ट्रेस थी ये सारा कुछ सेट हो चुका है। तो ये हमें इसके साथ मिली है एक ट्रे होल्डर। जब हमारी बेकिंग ट्रे गर्म रहेगी तो हम इसे इसी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमने इससे निकाल ली है। तो ये है रोटेसरी रॉड, इसे कैसे सेट करते हैं आइए देख लेते हैं। तो ये हमें एक दी गई है रोटेसरी रॉड को निकालने के लिए, इस तरह से एक दी गई है। तो पनीर टिक्का या फिर चिकन टिक्का बनाने के लिए इस तरह से हमें चार इस तरह से रॉड दी गई है। तो इसे हम बनाएंगे, इस ग्रिल ट्रे को अगर हम उल्टा कर देंगे तो इसे हम यहाँ पर रख करके चिकन टिक्का या फिर पनीर टिक्का हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब देख लेते हैं इन नॉब्स का क्या काम है। देखिए यहाँ पर ऊपर में है टेम्परेचर, यहाँ पर हम टेम्परेचर 250 तक लास्ट है, यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। नीचे है सिलेक्टर, आप बेकिंग करना चाहते हैं, टोस्ट करना चाहते हैं, ग्रिल करना चाहते हैं, यहाँ पर सारा दिया हुआ है। सबसे पहले यह वार्म है, रोटेसरी का है, ग्रिल है, पैकिंग है, टोस्ट है। तो इतना देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमें फंक्शन मिल रही है। और नीचे है टाइमर और यहीं से हम इसे ऑन भी करेंगे, ऑफ भी करेंगे। और साथ में यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं 60 मिनट तक इसका लास्ट टाइम।
टाइमिंग है जहाँ तक हम 60 मिनट तक हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने तो स्पेशली इसे लिया है बेकिंग के लिए, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने कई सारे वीडियोस में देखा ही है। तो स्पेशली मैंने केक बेक करने के लिए ही इसे लिया है। और सच बताऊँ, इसे परचेस करके मुझे अभी लग रहा है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ मैंने परचेस की है, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं बॉडी स्टेनलेस स्टील का है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बजाज का है, क्वालिटी आइटम है। तो वैसे मार्केट में और भी कई सारे ओटीजी आ जाते हैं, लेकिन हमने बजाज को ही चूज़ किया है क्योंकि बजाज हमेशा ही क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। और बाकी इसे हम यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगी, तो बाकी आगे के मैं यूज़ करती जाऊँगी, आप लोगों को भी बताने जाऊँगी। तो आज की अनबॉक्सिंग वीडियो में बस इतना ही। तो बताइएगा कमेंट करके आज का अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो नए आए हमारे चैनल में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर से कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।